ओम शांति। 1 जून 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। आज का गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है, भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो ज़रूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है, दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं, वह तो है ही परम पूज्य। सबको पूज्य बनाने वाला उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि थे।
बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, गाया भी जाता है शिवरात्रि, कौन सी रात्रि, ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि, बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं, शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है, भगवान है निराकार, मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं, परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है, मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ, ये पूज्य था अब पुजारी बना है, शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नोंधा हुआ है, तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो, साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है, अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे, हम आत्मा वर्णों में आती हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे यहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो, वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण बनाते हैं, अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद प्रैक्टिकल में, इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का, सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे, कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है, पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं, जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, भारत तो सत्युग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था, भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है, फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं, कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा, वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सकें, ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य, अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस है, ये है रुण्य के पानी मिसल अर्थात मृग तृष्णा के समान राज्य, इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है, दुर्योधन विकारी को कहा जाता है, द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो, सब द्रौपदियाँ हैं ना, ये बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार हैं, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी, नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते
कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं, ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता, सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना, अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है, है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा ककपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा, देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलथे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। स्पष्टीकरण, जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वे स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात
ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। विषय: सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। स्पष्टीकरण: इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना ये सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे अर्थात अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वे विजयमाला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो। साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब ये तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ओम शांति।